दोस्तों आज हम सी हल्क अटर्नी एट लॉ के एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल पर सी हल्क की प्लेलिस्ट है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से जेनिफर सी हल्क बनी थी और लास्ट सीन में हमने देखा था कि जेनिफर ने कोर्ट में टाइटेनिया को हराया था जिसकी वजह से वो लोगों के सामने आ गई। अब एपिसोड नंबर 2 वहीं से शुरू होता है। अब चारों तरफ जेनिफर के बारे में बातें हो रही होती हैं। न्यूज पर लोग कह रहे होते हैं कि हमें एक और सुपर हीरो मिल गई है, सब उसे सी हल्क नाम दे देते हैं। लेकिन जेनिफर इतनी पब्लिसिटी से परेशान होती है, वो अपने असिस्टेंट निकी से कहती है कि मैं सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, मैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहती हूँ। जिस पर निकी कहती है कि सुपर हीरो बनना बहुत ही कूल है। इसके बाद में दोनों एक पार्टी में जाते हैं जो कि सी हल्क की खुशी में रखी गई होती है। पार्टी में सी हल्क को देख करके लोग बहुत ही खुश होते हैं। तब यहाँ पर डेनिस आता है जो कि जेनिफर का कलीग होता है। वो जेनिफर से बहुत ही ज़्यादा जलता है। वो जेनिफर से कहता है कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई औकात है, तुम तो सी हल्क की वजह से इतनी फेमस हुई हो। लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी पार्टी में जेनिफर के बॉस आते हैं। वो जेनिफर को बताते हैं कि हम जो GLMK के खिलाफ में कोर्ट में केस लड़ रहे थे वो हम हार चुके हैं क्योंकि तुम कोर्ट में सी हल्क बन गई थी। ये सुनकर के जेनिफर को बुरा लगता है। जेनिफर कहती है तो क्या मुझे सी हल्क नहीं बनना चाहिए था? क्या लोगों को टाइटेनिया से पिटने देना चाहिए था? जिस पर बॉस कहता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया लेकिन तुम्हारी वजह से हम केस हार चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब सी हल्क की नौकरी भी चली जाती है। इससे वो परेशान होने लगती है। अब वो अलग अलग जगहों पर जाकर के नौकरी के लिए पूछताछ करने लगती है लेकिन कोई भी उसे नौकरी नहीं देना चाहता क्योंकि वो एक सी हल्क है। अब निकी और जेनिफर एक साथ बैठे होते हैं। तभी जेनिफर को उसके फादर का मैसेज आता है, वो उसे फैमिली डिनर पर बुलाते हैं। जेनिफर निकी को अपने साथ चलने को कहती है लेकिन निकी उसके साथ में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में डिनर पर जा रही होती है। अब जेनिफर अकेले ही अपने घर आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है कि उसके घर वाले सी हल्क के बारे में क्या कहेंगे। अब फैमिली डिनर के दौरान सब जेनिफर से कहते हैं अब तो तुम सी हल्क बन गई हो, अब तो तुम एक सुपर हीरो, क्या तुम अवेंजर में शामिल होने वाली हो? वो सब उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। तभी जेनिफर के फादर उसे एक रूम में बुलाते हैं। वो जेनिफर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी जॉब चली गई है लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जेनिफर से कहते हैं कि हमारी फैमिली में पहले से ही एक हल्क है, अब एक और हल्क होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर के जेनिफर को अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी फैमिली तो उसके सपोर्ट में है। डिनर के बाद में जेनिफर एक बार में बैठ करके ड्रिंक कर रही होती है और अभी भी अपनी जॉब के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर GLMK का बॉस मिस्टर हालवे आता है। मिस्टर हालवे को देख करके जेनिफर हैरान रह जाती है क्योंकि जेनिफर इसी के खिलाफ केस लड़ रही थी। मिस्टर हालवे जेनिफर से कहता है कि तुम सी हल्क हो और तुमने कोर्ट में सभी लोगों को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें GLMK में नौकरी पर रखना चाहता हूँ। जेनिफर तुरंत ही नौकरी के लिए हाँ बोल देती है क्योंकि उसे जॉब की बहुत जरूरत होती है। जेनिफर मिस्टर हालवे से कहती है कि मेरी असिस्टेंट निकी होगी, जिस पर हालवे हाँ कर देता है। अगले दिन जेनिफर GLMK में पहुंच जाती है। तब मिस्टर हालवे जेनिफर से कहते हैं कि हमने एक नई डिवीजन शुरू की है जिसमें सुपर ह्यूमन के केस लड़े जाएंगे, जिसका नाम में सुपर ह्यूमन डिवीजन और तुम इस डिवीजन की हेड हो, इसलिए तुम्हें ऑफिस में और केस के दौरान सी हल्क बनकर के रहना होगा। इससे जेनिफर समझ जाती है कि मिस्टर हालवे ने उसे सी हल्क की वजह से ही जॉब पर रखा है। अब जेनिफर सी हल्क बन जाती है। ऑफिस में सब उसे ही देख रहे होते हैं। अब जेनिफर अपने नए ऑफिस में पहुंच जाती है। वहां पर निकी भी होती है, वो बहुत ही खुश होती है। वो जेनिफर से कहती है कि हमें इतना बड़ा आलीशान ऑफिस मिला है। तभी वहां पर पो आता है, वो सी हल्क के लिए कुछ गिफ्ट लाया होता है जो कि उसके लिए वेलकम गिफ्ट होते हैं। इसके बाद में मिस्टर हालवे सी हल्क को एक केस देते हैं जिसमें कि सी हल्क को मिस्टर ब्लॉन्स्की यानी कि अबोमिनेशन की तरफ से केस लड़ना होगा। मिस्टर ब्लॉन्स्की का नाम सुनते ही जेनिफर मना करने लगती है क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क में मिस्टर ब्लॉन्स्की ने हल्क के साथ में लड़ाई की थी। जेनिफर कहती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की मेरे कजन के दुश्मन है तो मैं उनका केस क्यों लड़ूं। जिस पर मिस्टर हालवे कहते हैं कि मिस्टर ब्लॉन्स्की अब बदल गए हैं, वो जेल से बाहर आकर के अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तुम पहले उनसे जाकर के मिल लो तब फैसला करना। इसके बाद में जेनिफर मिस्टर ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक जेल में होता है। जेल के गार्ड उसे बताते हैं कि अगर ब्लॉन्स्की ने तुम्हें मार दिया या तुम्हारे साथ कुछ किया तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब जेनिफर ब्लॉन्स्की के रूम में पहुंच जाती है। वो अभी अपने इंसानी रूप में होता है। वो जेनिफर को देखते ही नमस्ते करता है। इसे पता चलता है कि वो शायद सुधर गया है। जेनिफर ब्लॉन्स्की से कहती है कि मैं कैसे मानूं कि तुम सुधर गए हो। मिस्टर ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं अब पहले जैसा खतरनाक नहीं हूँ, मैंने अपने अबोमिनेशन वाले रूप को भी शांत कर लिया है। वो बताता है कि मैंने अपने सभी दुश्मनों को सॉरी वाला कार्ड लिख करके भी भेजा है। ये सब सुनकर के जेनिफर ब्लॉन्स्की पर यकीन करने लगती है। वो जेल से वापस आकर के हल्क को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही हूँ, जिस पर हल्क कहता है कि तुम बेझिझक
किस को लग सकती हो, क्योंकि ब्लोंस्की अब सुधर गया और उसने मुझे कुछ दिन पहले ही सॉरी वाला कार्ड भी लिख करके भेजा था। अब हम दोनों के बीच में सब ओके है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हल्क अपनी शिप से कहीं जा रहा होता है। इसके बाद जेनिफर एमएल ब्लोंस्की का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो मिस्टर हालवे को ये बताने के लिए कॉल करती है। तभी मिस्टर हालवे उसे न्यूज देखने को कहते हैं, जिसमें एमएल ब्लोंस्की जेल से भाग गया होता है और कुछ घंटों बाद वापस भी आ गया होता है। और ये सीन सेंची मूवी का होता है। ये देख करके जेनिफर हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। अगर आपको आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।